नर्मदा जिल्लाना असरग्रस्तोनी गुजरात प्रदेश युथ कोंग्रेसना प्रभारी शाहिद भाई अने राष्ट्रीय युथ कोंग्रेसना महासचिव मनीष चौधरीए मुलाकात लीधी। नर्मदा जिल्लामां अतिशय भारे वरसाद पड़वाने कारणे जिल्लामां तमाम तालुकामां भारी ताराजी सर्जाय छे अने खेडूतोने पण भारे उभा पाक जेवा के केळा पपैया शेरडी एवो अनेक प्रकारनी खेती वरसादना पाणीमां धोवाण थयुं छे। खास करीने ડેડિયાપાડા સાગબારા તાલુકામાં પણ મોટા પ્રમાણમાં ખેતીમાં નુકસાન થયું છે। યુથ કોંગ્રેસના ગુજરાત પ્રદેશના પ્રભારી શાહિદભાઈ એ જણાવ્યું હતું કે જ્યારે ગુજરાતમાં ગુજરાત સરકાર વિકાસ યાત્રા કાઢી રહી છે ત્યારે નર્મદા પાસે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી બનાવી છે, ત્યાં જવાના રોડ પર જગે જગે ઉપર ખાડા પડી ગયા છે, પાણી ભરાઈ ગયા છે અને આ બધું જોઈને એવું લાગી રહ્યું છે ગુજરાતનો વિકાસ અને ગુજરાતનું મોડેલ જે બતાવીને વાત કરે છે તે માત્ર ખોટી ગુલબાંગો હોવાનું જણાવ્યું હતું। जैसे ही मालूम हुआ कि गुजरात बाढ़ग्रस्त घोषित हो चुका है, सभी जगह बाढ़ आई हुई है, हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कि SOS IBC के तहत राहत बचाव कार्य के लिए हमेशा खड़े रहे हैं, कोरोना की लहर में भी यूथ कांग्रेस ने पूरे देश के अंदर कोरोना से पीड़ित लोगों की मदद के लिए अपना जिम्मा उठाया था। तो ऐसी ही स्थिति में जब बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का मालूम पड़ा कि नवसारी और नर्मदा और भावनगर जिलों में बाढ़ आई हुई है, तो हमारी पूरी टीम को निर्देशित किया गया है जिला लेवल पर के राहत में बचाव कार्य के लिए राशन किट्स और जो भी पीड़ितों की मदद के लिए हम कर सकते हैं वो करें। और उसी के तहत कल हमारे IBC सेक्रेटरी गुजरात के हमारे इंचार्ज साथी शाहिद भाई भी आए थे और वो नर्मदा ज़िले में यहाँ दौरा करके गए और पूरा मालूम हुआ। आज मैं भी यहाँ पहुँचा हूँ और हम लोग अपने जिलाध्यक्ष और हमारी पूरी टीम अजय वसावा जी और पूरी टीम के साथ यहाँ पर पीड़ितों से मिलेंगे और राशन किट बांटकर उनके इस समय जो उनके ऊपर भयंकर आपदा आई है इसमें उनके साथ राहत बचाव कार्य के तहत सहभागी बनने का प्रयास कर रहे हैं। मैं मनीष चौधरी, राष्ट्रीय महासचिव युवा कांग्रेस। देखिए, जिस प्रकार गुजरात में बारिश ने तबाही मचाई है और बड़ा आश्चर्य होता है ये देखते हुए कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर विकास यात्रा निकाल रही है और दूसरी तरफ जब हम भारी बारिश जैसे नवसारी वलसाड़ में आए दिन हाईवे जाम हो जा रहे हैं, नर्मदा, और नर्मदा को तो पूरे देश में इन लोगों ने ये बात करके प्रचलित किया है कि यहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया है, लेकिन आज पूरे देश के समक्ष ये बात है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो बनाया है लेकिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास जाने का जो रास्ता है वो जगह जगह गड्ढे हो चुके हैं, पानी भर चुके हैं, ख़त्म हो चुका है। ये सारी चीज़ों को देखकर ऐसा एहसास होता है कि गुजरात का विकास और गुजरात के जो मॉडल जो ये बात करते थे वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा और चलता। दूसरी ओर भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीनिवास जी के निर्देश पर जिस प्रकार उन्होंने कोरोना में पूरे देश में काम किया था उसी कैंपेन को SOS IBC को लेकर तत्काल प्रभाव से उन्हें गुजरात में निर्देशित किया है, जिसको लेकर मेरे प्रभारी महासचिव आदरणीय मनीष चौधरी जी के साथ हमने वलसाड, नवसारी, तापी, डांग और आज नर्मदा में हम यहाँ पर लोगों की सहायता करने आए हैं। हमारे जिला अध्यक्ष जो हैं अजय जी, वो पिछले दो दिन से वहाँ राशन बांट रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पानी भर गया, कई लोगों के घर तबाह हो गए हैं, तो हम फिलहाल उन लोगों से मिलने जा रहे हैं और उनको हर संभव प्रयास हम मदद करेंगे, जो भी मदद हम उनको कर सकते हैं। परंतु ये मैं आपके माध्यम से गुजरात की सरकार से ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आज ये जो लोग तकलीफ़ और मुसीबत में हैं ये कोई और नहीं, हमारे और आपके गुजराती भाई बहन हैं। इनकी दर्द और पीड़ा में आपको खड़े रहना चाहिए, ना कि विकास का जो ढकोसला यात्रा आप चला रहे हैं उसको बंद करके सबसे पहले जितने घर टूटे गए हैं, जितनी खेती नुकसान हुई है और जहां जहां तकलीफ़ें हुई हैं उन सबको आप ठीक करिए।